Okay, students. So we'll continue today with some more example on binomial. And the first example of the part is 96 whole raised to 96 whole raised to 3. So 96 को कैसे लिखेंगे हम? 100 minus 4 whole cube. Okay, now binomial लगाना है. चलो अगर आपको a minus b whole cube आता है तो ठीक है. अगर binomial लगाएंगे तो क्या होगा? 3c 0 100 plus 2 3 minus है. पहला plus, दूसरा minus. This is 3c 1 100 square 4. Okay, plus minus plus 3c 2 100 का पावर 1 यहाँ पे हो जाएगा 4 whole raised to. चलो 4 raised to यहाँ पे 0 था, 4 raised to 1 यहाँ पे क्या होगा? 4 raised to 4 square होगा, square. Okay, and last 3c 3 100 raised to 0 4 4 cube 100 raised to 0 4 cube plus minus plus minus. This will be minus. साइन वाला काम लास्ट में रखो. और ये जो मैं गलती कर रहा हूँ वो आपसे भी नहीं होगी क्या? प्लस माइनस लास्ट में जाकर पहले आपको जो दिमाग में जो लॉजिक है वो पहले निकाल दो. नाउ 3c0 क्या होता है? 1 100 का क्यूब मतलब 100 दो जीरो और दो जीरो. माइनस 3c1 क्या होता है? 3 100 और दो जीरो और प्लस 3c2 क्या होता है? 3 100 एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है? 3c3 क्या होता है? 1 100 का पावर एनीथिंग इज टू 0 इज 1 4 क्यूब इज 1 4 4 इज 16 4 इज 16 4. सो दिस इज इक्वल टू 4 3 इज 12. सो 1 2 3 4 और 12 16 3 जा 48 2 0 48 64 ऐड कर दो यू गेट द आंसर. तो जाता है क्या करता है? एनी प्रॉब्लम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, कुछ नया नहीं है. कल हमने किया था कि नहीं ए ये क्या है बी ए माइनस बी का पावर है तो कैन यू डू द बाइनोमियल एक्सपांशन. कैन यू डू द बाइनोमियल एक्सपांशन. कल हमने 6-7 एग्जांपल किए थे. ऐसा ही है 96 का हो गया. चलो नेक्स्ट 102 होल रेस टू 5 का क्या करेंगे? 100 प्लस 2 होल रेस टू 5. तो यहाँ पे क्या होने वाला है? चलो 5c0 100 होल रेस टू 5 प्लस 5c1 100 होल रेस टू 4 2 रेस टू क्या हो जाएगा? 1 5c2 100 होल रेस टू 3 2 रेस टू 2 3 प्लस 2 5. ओके आगे 5c3 100 होल रेस टू 2 2 रेस टू क्या हो जाएगा? 3 5c1 100 रेस टू 1 2 रेस टू 4 प्लस 5c5 2 रेस टू 5. अब सिंप्लीफिकेशन करना है. कल x था, x के बजाय आज नंबर है. 5c0 क्या होता है? 1 1 2 1 2 5 टाइम है 2 2 3 4 5. ओके अब ये क्या होगा? प्लस 5 टू द 10 इंटू 5c2. What is 5c2? 5 into 4 upon 2 into 1. So 2 by 2 is 10. 10 4s are 40. मतलब 40 into
any problem? So yeah, the 5C3 मतलब 5C2, again 10, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो ये होने वाला 80 into 5C1 5, 4, 2 का 4 क्या होता है 2 का पावर 4, 16, ये होता 16 इंडो क्या होता 100 प्लस 5C5 2 रेस टू 5 क्या होता 30 ओके आप एडिशन करना तो आपको आना चाहिए नहीं आता तो वो भी सिखा देता हूँ और अब देखो कैसे लिखना होता है एडिशन में कितने जीरो 1 2 3 4 एंड यहाँ पे कितने थे 4 1 2 और एक यहाँ पे 10 का 16 ये कौन सा 5C 1 ओके 16 5 है ओके 16 5 है क्या होता है भाई 80 सो यहाँ पे होगा 80 16 5 का क्या होता है 80 सो दिस इज द 80 चलो आगे यहाँ से आगे ये हो गया यहाँ से क्या होगा बोलो 40 और कितने जीरो 3 बार जीरो वाला मतलब चलो क्या होने वाला 1 2 और एक जीरो चलो ये वाला 2 2 3 5 जीरो एक दो तीन और पाँच थर्टी इसका एडिशन कर लो आंसर ओके सो ये था एग्जांपल नंबर सो अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज नंबर 10 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट वेदर ये और ये कौन बड़ा है चलो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके बताना है कि 1.1 रेस टू क्या है 10,000 और 1,000 में बड़ा कौन सो बाइनोमियल का यूज करना मतलब 1 + 0.1 होल रेस टू क्या होगा 10,000 चलो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये होगा 10,000 C0 1 रेस टू क्या होगा 10,000 आया ना प्लस 10,000 C1 ये होगा 1 का कोई भी पावर होगा तो क्या रहेगा 1 0.1 यहाँ से स्टार्ट होगा हाँ या ना एंड थर्ड टर्म जिसकी जरूरत ही नहीं मुझे इसके आगे चलता रहेगा अब मुझे ये दो का कैलकुलेशन करने दो लेट अस सी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस इसका आंसर एनीथिंग C0 इज व्हाट 1 प्लस ये क्या होगा NC1 क्या होता है मतलब 10,000 C1 का क्या होता है 10,000 और ये होगा 1/10 हाँ या ना इसके आगे भी कोई नंबर आएगा जो हमने अभी इग्नोर किया है सो व्हाट इज दिस द जीरो विल गेट कैंसिल सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर 1 0 0 1 सो इसका सबसे छोटा आंसर जो हमारे पास हमने डिराइव किया है पहले दो टर्म के एडिशन क्या आया 1 0 1 इसके बाद कुछ नंबर आएगा कि नहीं आएगा वो हमने अभी लिखा नहीं है सो मतलब इसका वैल्यू 1 0 1 से ऊपर ही होगा दैट इज ग्रेटर देन 1000 Therefore, क्या लिखोगे आप Therefore, क्या लिखोगे 1.1 होल रेस टू 10,000 इज ग्रेटर देन 1000 समझ आया बाइनोमियल से सिर्फ दो स्टेप लिखे हैं उसके आगे के मैंने लिखे ही नहीं है इग्नोर कर लिया आप कि मैं पहले दो का चेक करते हैं कितना आता है तो 900 के पास आता तो मैं और एक ऐड करता है ऑब्वियसली वो बड़ा ही आएगा तो पॉजिटिव आ रहा है थोड़ा कम हो रहा है पहले 1 था फिर क्या आया क्या था ये था 1000 तो उसके बाद वाला 1000 शायद थोड़ा बड़ा आएगा ऑब्वियसली 1000 से बड़ा ही आएगा कि नहीं आएगा ओके सो गए ये सिर्फ कंफ्यूजिंग है इसलिए पूछा है सवाल ये क्यों डाला है 1.1 रेस टू कुछ भी करो 1 रेस टू 10,001 होता है कि नहीं सो 1.1 रेस टू 10,000 क्या हो जाएगा हम सोच रहे हैं 1.1 1 ही होता है ना तो 1 आएगा नहीं 1 नहीं आता
बड़ा नंबर होगा लेकिन वो 1000 से तो बड़ा ही होगा। समझ आ रहा है? अरे बेटे क्लियर है, आगे चले। सो ये एग्जांपल तो थोरोली समझ लेना, क्योंकि इसकी एक फॉर्मूला बनती है। अब फॉर्मूला बनाओ या डायरेक्ट लिखो क्या है समझो। सो ए प्लस बी होल रेस टू 4 क्या होगा? देखो 4 से 0 ए रेस टू 4 प्लस 4 से 1 ए रेस टू 3 बी 4 से 2 ए रेस टू 2 बी रेस टू 2 प्लस 4 से 3 ए बी क्यूब प्लस 4 से 4 बी रेस टू 4। चलो ये हो गया मेरा ए प्लस बी होल रेस टू 4। व्हाट इज ए माइनस बी होल रेस टू 4? 4 से 0 ए रेस टू 4 माइनस प्लस माइनस 4 से 1 ए क्यूब बी प्लस 4 से 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 से 3 ए बी क्यूब माइनस 4 से 4 बी रेस टू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब समझो सीधा मुझे प्लस पूछा होता डायरेक्ट इसका एडिशन समझो, इसको फॉर्मूला के फॉर्म में समझो, बाद में मैं एग्जांपल समझाऊंगा। अगर मैं इसका सिर्फ एडिशन करूं तो क्या निकल जाएगा? देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? अगर ये प्लस है तो कौन कैंसिल होगा? माइनस वाला टर्म जाएगा। हमारा जो ये सवाल है, ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है? इसका माइनस करना है, तो इसका माइनस करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस का अब कैंसिल क्या होगा? देखो पहला टर्म ए रेस टू 4 प्लस में है, ये क्या है? माइनस में है, सो दिस इज गेट कैंसिल। ये प्लस, दोनों प्लस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल। सो क्या बचा? दिस इज लेफ्ट ओवर विद टू टाइम्स क्या बचेगा? 4 सी 1 मतलब एक और एक दो होगा ना, तो 4 सी 1 क्या होगा? 4 ए क्यूब बी प्लस एक और एक दो 4 सी 3 4 सी 3 क्या होगा? 4 सी 1 4 सी 1 क्या होगा? 4 ए बी क्यूब। इसका आंसर अगर एक प्लस एक माइनस है, दोनों सेम नंबर है ए बी, लेकिन एक प्लस एक माइनस, अब दोनों का माइनस करेंगे तो कौन सी टर्म बचेगी? दिमाग में आप याद रख लेना, समझ लेना कि अगर प्लस होता तो कौन सा कैंसिल हो जाता सीधे प्लस माइनस वाले। माइनस के तो साइन नीचे चेंज हो गए, क्या होगा? प्लस का क्या हो गया? माइनस। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। सो बचा क्या? ये रहा, ये है ए, ये है बी। सो यहाँ से अगर आपको वो एग्जाम्पल जो दिया है वो करना है, जैसे कि रूट 3 प्लस रूट 2 होल रेस टू 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 होल रेस टू 4। चलो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। नाउ ए प्लस बी ए माइनस बी हमने सॉल्व किया, इसको क्या आंसर आएगा? दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 भी कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इधर भी 4 है, तो 4 2 इंटू 4। अब पहला है तो क्या करेंगे? 2 4 बाहर। व्हाट इज ए क्यूब? ए क्या है? रूट 3 का क्यूब। बी क्या है? रूट 2 प्लस ए क्या है? रूट 3 एंड बी का क्यूब रूट 2 का। समझ में आया? इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लिया क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाया है किसके ऊपर से? ए प्लस बी होल रेस टू 4 ए माइनस बी होल रेस टू 4। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ओके फाइनल आंसर इज क्या होगा? इसका आंसर देखो, दिस विल बी इक्वल 4 2 8 रूट 3 का क्यूब मतलब रूट 3 तीन बार, रूट 3 रूट 3 रूट 3 इंटू रूट 2। चलो प्लस रूट 3 रूट 2 रूट 2 रूट 2। चलो अब दो बार का क्या हो जाता है? रूट निकल जाता है, ये भी दो बार है, रूट निकल जाएगा 8 एज इट इज 3 रूट 6 प्लस 2 रूट 6
root 6 बाहर निकाल लो, so that is equal to 8, root 6 is out, अंदर क्या बचा, 3 plus 2 क्या होता है, 5, so the answer is 8 5 is 40, root 6, is the answer, 40, root 6 is the12 number example is check. X plus 1 raised to 6, x minus 1 raised to 6. So x plus 1 raised to 6 ka hota hai. Chalo pehle iska expansion karenge. So ye hoga 6 c 0 x raised to 6 plus 6 c 1 x raised to 5. 1 ka kuch bhi likhenge to 1 hi aayega. So na 1 hai to patapat ho jayega. एक कोई दोनों में से कोई भी एक वन होना चाहिए तो जल्दी होगा, क्योंकि वन का कोई भी पावर लिखेंगे तो वन ही आएगा करें, प्लस प्लस 62 क्या होगा, x रेस टू 4 प्लस 63 x रेस टू 3 ओके प्लस 62 सॉरी 1 2 3 ये हो जाएगा 4, ये होगा x रेस टू 2 प्लस 65 x 66 कुछ नहीं 1, ये प्लस वाला था पूरा प्लस करके सेम 60 x रेस टू 6 प्लस माइनस 61 x रेस टू 5 प्लस 62 x रेस टू 4 माइनस 63 x रेस टू माइनस प्लस 64 x स्क्वायर माइनस 65 x प्लस 66 इनटू 1 कौन जाएगा बोलो, कौन कैंसिल होगा, 1 3 5 सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर देयर, तो यहां पे जो बचा है वो है 60 क्या होता है 1, एक और एक क्या होता है 2, दिस इज x रेस टू 6, एक और एक 2, देन दिस इज आउट, व्हाट इज 62, 6 इनटू 5 अपॉन 2 इनटू 1, 2 इनटू 5 इज आ प्लस 15 x रेस टू 4, 2 हमने निकाल दिया है, चलो 15 आ गया, 64 क्या होता है अगेन 62, वो भी हो जाएगा 15 x square and last 66 क्या होता है 1. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें x के बदले क्या है बोलो root 2 can you see that x के बदले क्या है root 2 है तो हमारा जो सवाल है वो हो जाएगा अब this is equal to x is equal to क्या रख लो root 2 तो ये आपका क्वेश्चन मतलब रूट टू प्लस वन होल रेस टू 6 प्लस रूट टू माइनस वन होल रेस टू 6 इज इक्वल टू चलो 2 इंटू जस्ट इक्वल टू 2 इंटू इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू रूट टू होल रेस टू 6 प्लस 15 रूट टू होल रेस टू 4 प्लस 15 रूट टू होल रेस टू 2 प्लस 1 चलो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 2 टाइम रूट टू का पावर 6 मतलब रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू 6 बार सो रूट टू 2 बार होता है तो 2 होता है सो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा 6 बार लिखने से मतलब समझ लो कि 2 बार का क्या होता है 2 चलो 15 इंटू रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है रूट टू इंटू रूट टू 4 बार है तो 2 प्लस 15 इंटू रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है 2 प्लस 1 सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम 2 टू द 4 इज द 8 प्लस 15 4 इज द प्लस 15 टू जा इज इक्वल टू बोलो इज इक्वल टू क्या होगा
बोलो नो इन 99 इज़ अ चेक करो पीछे आंसर सही है सो आंसर इज 198 एंड आई होप ये दो एग्जांपल मैंने करवाए हैं समझ में आया होगा क्या सबसे पहले फॉर्मुलेशन भी समझो सेम देखो ए प्लस बी ए माइनस बी होल रेस टू 6 रहता है तो कौन कैंसिल होगा देखो अगर प्लस होता है तो ऑड वाला निकलता है माइनस होगा आगे वाले जो एग्जांपल था उसमें माइनस था तो कौन निकला इवन वाला निकला इसमें कौन निकला था देखो ये जो पार्ट है उसमें कौन गया इवन वाला गया माइनस होगा तो इवन जाएगा प्लस होगा तो ऑड निकलेगा और वो ज्यादा सोचना नहीं ये मैं अगर डायरेक्ट करता ना तो ये लिखता ही नहीं क्या करता मैं माइनस है तो प्लस इधर मैं नीचे लिखता माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर लेंगे और एक और एक क्या होता है दो समझ में क्या बोल रहा हूँ चलो एक बार और समझा देता हूँ ये लॉजिक सो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ए प्लस बी होल रेस टू 6 तो क्या होगा देखो 6 तक नहीं जाते ए प्लस बी होल रेस टू 5 चलो ए प्लस बी होल रेस टू 5 प्लस ए प्लस बी होल रेस टू ए माइनस बी चलो ए माइनस बी होल रेस टू a माइनस बी होल रेस टू यहाँ से जल्दी लिखो जल्दी लिखो ए प्लस बी होल रेस टू 5 ए प्लस बी होल चलो तो मैं क्या करूँगा कि 5 से 0 a रेस टू 5 प्लस 5 से 1 a रेस टू 4 b प्लस 5 से 2 a रेस टू 3 b स्क्वायर डन 5 से 3 ए स्क्वायर बी क्यू प्लस 5 से 4 ए स्क्वायर बी सॉरी ए रेस टू 1 बी रेस टू 4 प्लस 5 से 5 बी रेस टू 4 अब मैं क्या करूँगा दूसरी लाइन नहीं लिखूंगा डायरेक्ट यही सेम आने वाला है डिफरेंस माइनस है तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कौन गया प्लस माइनस वाले जो भी होंगे वो क्या हो जाएंगे समझ आया तो ये क्या हुआ एक और एक दो टू टाइम्स क्या बचेगा 5 से 0 ए रेस टू 5 प्लस 5 से 2 ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस 5 से 4 ए बी रेस टू ना इफ आई डू माइनस माइनस के लिए थोड़ा कलर बदल लेते हैं तो ये प्लस था तो प्लस इधर इधर क्या था माइनस है लेकिन इधर क्या प्लस है ना इफ वी हैव माइनस हियर तो क्या हो जाता माइनस प्लस का क्या होता था माइनस माइनस का क्या होता था प्लस प्लस का माइनस माइनस का प्लस प्लस का माइनस माइनस का प्लस अब कैंसिल कौन होगा अब कौन जाएगा ये वाला सॉल्व इफ यू वांट वी कैन राइट इट वन मोर टाइम इन द अदर वे एक बार आपके लिए डिटेल में लिख लेता हूँ सो ये फॉर्मूला ही है थोड़ा दिमाग प्रेजेंट रख के इधर हो जाएगा आराम से इफ यू राइट सपोज a प्लस बी होल रेस टू 4 माइनस ए माइनस बी होल रेस टू 4 तो क्या होगा बोलो a प्लस बी होल रेस टू 4 4 सी 0 a रेस टू 4 b 4 सी 1 a क्यूब b प्लस 4 सी 2 प्लस 4 सी 3 प्लस 4 सी 4 अब मैं दूसरा तो सेम ही आएगा लेकिन क्या होगा प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा तो दूसरा अगर आता तो वो क्या चलो ये प्लस है तो हमारा क्या आएगा प्लस माइनस प्लस ये एक्चुअल इसका है ए माइनस बी का लेकिन साइन बदल जाएगी कब ये माइनस है तब
तो ये प्लस का क्या होने वाला है, माइनस। अब ये साइन देख लीजिए, ये और ये प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, वी हैव टू सी दिस टू साइन। ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, सो वी हैव टू सी दिस। ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, सो वी हैव टू सी द सर्कल साइन। ये प्लस का क्या होने वाला है माइनस, सो वी हैव टू सी द सर्कल साइन। चलो सर्कल साइन देखो, आपको लिखना है तो एक बार लिख सकते हो, इसके नीचे सेम लाइन लिखो, और मैंने जो पहले किया कि नहीं कैंसिल किया ना, अब ये टाइम बचाएगा, क्या बचाएगा, चलो ये प्लस माइनस वाला कैंसिल, ये टर्म है, ये प्लस माइनस वाला कैंसिल, ये प्लस माइनस वाला कैंसिल, सो दो टर्म बचे, कौन से, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम फोर सी वन इज फोर ए क्यूब बी प्लस फोर सी थ्री इज वॉट फोर ए बी क्यू इज द आंसर। ओके द 13th एग्जाम्पल इज हियर, क्या बोला है आपको, 9 रेस टू एन प्लस वन माइनस एट एन माइनस नाइन इज डिविजिबल बाय 64। तो मैं क्या करूँगा, चलो तो मैं पहले 9 रेस टू एन प्लस वन को पकड़ता हूँ, एंड 9 कैन बी रिटन एज 8 प्लस वन, यस और नो, हाँ या ना। सो 9 रेस टू एन प्लस वन मैंने ऐसे ही रखा, 9 को मैंने लिखा 8 प्लस वन होल रेस टू एन प्लस वन, नाउ इसका बाइनोमियल लगाएंगे तो ये क्या होगा, एन प्लस वन से जीरो, 8 रेस टू एन प्लस वन। अब मैं रिवर्स कर लेता हूँ थोड़ा, 1 प्लस कर लेते हैं, क्या करते हैं इसको 1 प्लस 8 कर लेते हैं, जान बुझ के 1 प्लस 8 कर लो तो जल्दी खत्म होगा। तो इधर क्या होने वाला है, एन प्लस वन सी जीरो वन रेस टू वन एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन सी वन एन प्लस वन सी वन एन वन रेस टू क्या होगा, कोई भी होगा वो तो वन ही होने वाला, एट स्टार्ट हुआ कि नहीं, फिर यहाँ से आगे क्या आने वाला है, एन प्लस वन सी टू एट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, एन सो ऑन चलता रहेगा, लास्ट टर्म होगा एन प्लस वन सी एन एट रेस टू एन। एनी प्रॉब्लम, लास्ट टर्म क्या होगा हमें पता नहीं है, लेकिन एट रेस टू एन आएगा। चलो अब इसका क्या होता है बोलो, एन प्लस वन सी जीरो क्या होता है वन, ये बचा वन, एन प्लस वन सी वन क्या होगा एन प्लस वन, एन सी वन क्या होता है एन, एन प्लस वन सी वन क्या होगा एन प्लस वन इंटू एट प्लस, समझो यहाँ के बाद एट स्क्वायर है, एट क्यूब आएगा, सो एट स्क्वायर तो होगा कि नहीं सब में, तो सब में से क्या कॉमन निकाल लेते हैं, एट का स्क्वायर कॉमन, अंदर जो भी है उसको मैं लिख रहा हूँ एन, अंदर जो भी है उसका मुझे काम नहीं है, आई एम ओनली लुकिंग फॉर 64। प्रिंसिपल ऑफ बी एम आई ने आपने किया होगा कॉमन निकालने का काम, तो हमें जो चाहिए वो मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या एट का स्क्वायर, क्या चाहिए एट का स्क्वायर। अब ये होने वाला है, चलो वन प्लस एट एन प्लस एट प्लस 64 एन, और ये है 9 रेस टू एन प्लस वन। अब सब एक साइड पे ले लो, 8 प्लस वन क्या होता है 9, टेक एवरीथिंग ऑन वन साइड, दिस इज 9 रेस टू एन प्लस वन इज इक्वल टू 9 रेस टू एन प्लस वन इज इक्वल टू 9 प्लस 8 एन प्लस 64 एन। एंड फर्दर यहाँ से आगे बढ़ेंगे एंड इट विल बी 9 रेस टू एन प्लस वन माइनस 8 एन माइनस 9 इज इक्वल टू क्या होगा 64 एन। मतलब ये जो पूरा सवाल है ये रहा, वो किससे डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा, यू कैन राइट 9 प्लस 2 एन प्लस 1 माइनस 8 एन माइनस 9 इज डिविजिबल बाय